नमस्कार। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं महिलाओं पर हो रहे अपराधों के चलते जागरूकता अभियान के तहत थाना प्रभारी सिनावल भूमिका द्विवेदी ने महिलाओं को गीत चुटकुले एवं कन्याओं के पूजन के माध्यम से महिलाओं की महत्ता बताते हुए किया सम्मान। थाना प्रभारी की इस कार्यशैली से महिलाओं को मिला आत्मबल। आज थाना सिनावल में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दतिया के निर्देशानुसार सम्मान अभियान में ग्राम सोनागढ़ के आमजनों को तथा बालक बालिकाओं को महिलाओं को सम्मान अभियान के संबंध में अवगत कराया गया, जागरूकता संबंधी जानकारी दी गई और सम्मान गीत बजाया गया और सभी नागरिकों को और बच्चियों को सम्मान गीत सुनाया गया। बच्चियों को सम्मान करने के लिए कन्या पूजन भी किया गया और बच्चियों को उनके अधिकारों के बारे में और कर्तव्यों के बारे में अवगत कराया गया। यह कार्यक्रम निरंतर प्रयास जारी रहेगा। बीसीएन न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर भारत में राम मंदिर निर्माण निधि शोभा यात्रा का आयोजन देश के हर गांव, शहर, कस्बे में किया जा रहा है, जिसके चलते दतिया जिले के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उनाव बालाजी में निकाली गई भगवान श्री राम का दरबार लगाकर राम मंदिर निर्माण निधि शोभा यात्रा। इस यात्रा के दौरान भगवा रंग के झंडे एवं भगवान श्री राम के भजनों में लोग झूमते हुए नजर आए। यह शोभा यात्रा कस्बे, हर चौराहे, गली मोहल्ले से निकली, जहां हर परिवार से मंदिर निर्माण के लिए लोगों से सहायता राशि प्राप्त हुई। बीसीएन न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। दतिया जिले के भांडेर एसडीएम अरविंद महौर द्वारा भांडेर के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते शनिवार की मध्यरात्रि शासकीय चिकित्सालय भांडेर की सुविधाओं को देखने के लिए अचानक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मरीजों के चिकित्सालय की सुविधाओं की जानकारी ली एवं बीएमओ एवं आरकेएस सदस्यों के साथ चर्चा कर चिकित्सालय की समस्याओं को संज्ञान में लेकर जल्द ही निदान करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान भांडेर एसडीएम अरविंद महौर ने डॉक्टर एवं स्टाफ को नैतिक जिम्मेदारी तथा मरीजों के साथ स्नेह एवं सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने को कहा। इस प्रकार की कार्यशैली देख उपस्थित मरीजों ने भांडेर एसडीएम अरविंद महौर की सराहना की। बीसीएन न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर एक मोटरसाइकिल पर टंगे बैग की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरे मामले को लेकर टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई। शहर की अमन गैस एजेंसी के मुनीम संजय मिश्रा ने बताया कि इंग्लिश कलारी के पास से गैस एजेंसी की होम डिलीवरी की जाती है। आज वह गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के 2.5 लाख रुपए बैग में रखकर पुराने बस स्टैंड पहुंचे, जहां मोटरसाइकिल के हैंडल पर बैग टंगा छोड़कर एक होटल संचालक से बात करने लगे। कुछ ही देर बाद उनकी मोटरसाइकिल पर टंगा बैग चोरी हो गया। बैग चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वहीं पूरे मामले को लेकर टीकमगढ़ कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार का कहना है कि बैग में कितने रुपए थे यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस और भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पर होम डिलीवरी का काम करते हैं मन गैस का, तो हमारे पास पूरा सिलेंडर का कैश था 2.5 लाख रुपया। वहां से हम खाई मोहल्ला होती हुई पुरानी बस स्टैंड पे आए जमजम होटल पर। यहाँ पर थोड़ा जायद भाई साहब से पेमेंट लेना था, तो थोड़ा बात करने लगे। गाड़ी पर बैग रखा हुआ था, सामने से अज्ञात चोर आया, उसने हाथ साफ किए और आंखों में धूल झोंक कर बैग लेके फरार हो गया। बीसीएन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से विकास राय की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।